ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। चूहा और सैफ दोनों अच्छे दोस्त हैं। लड़के को खाना पकाना नहीं आता है, मगर चूहा खाना बनाने में उस्ताद है। होटल में नौकरी पाने के लिए उस चूहे को सबसे छुपाकर अपने साथ लाता है। चूहा उसके बालों में छिपकर उसे कंट्रोल करता है, जिससे कि किसी को पता नहीं चलता है और वो चूहा मनचाहा खाना बना लेता है। एक दिन वो एक सूप बनाता है, सारे सैफ उसे चखते हैं तो वो उसके दीवाने हो जाते हैं। धीरे धीरे सैफ पूरी होटल का सबसे लोकप्रिय और अच्छा सैफ बन जाता है, इसलिए सैफ सारे होटल वालों को अपना राज बता देता है। एक चूहा खाना बनाता है इसलिए ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए सारे लोग होटल को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बाहर सारे कस्टमर्स खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी चूहा अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है और सभी चूहे खाना बनाने लग जाते हैं। तभी एक कस्टमर खाना खाता है, उसे अपने बचपन के माँ के हाथ का बना हुआ खाना याद आ जाता है। उस दिन से ये होटल उन दोनों के नाम से प्रसिद्ध हो गया।